आप सभी लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा। आपने देखा होगा कि 3 कृषि कानून आए थे, उसी को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। उसी में एक घटना घटी थी, लखीमपुर खीरी की घटना आप लोगों ने जरूर जरूर सुना होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि राज्य मंत्री के बेटे ने क्या किया था कि एक तरह से उसमें गाड़ियों से एक तरह से किसानों को कुचल दिया था। और उसमें आपने देखा होगा कि राज्य मंत्री के बेटी की गिरफ्तारी भी हुई और 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें अभी हाल ही में एसआईटी की जो गठन हुआ था उसका कुछ फैसला आया हुआ है, उसने कुछ कहा है। और उसके बाद आपने देखा है कि जब पत्रकारों ने राज्य मंत्री से पूछा, सवाल पूछा, तो उनके साथ किस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की, अपशब्द बोले, वो भी आप सभी लोगों ने सुना होगा। इस आखिर इस घटना पर जो एसआईटी का गठन हुआ था उसने कहा क्या है, ऐसी कौन सी धाराएं बढ़ाई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में काफी खलबली मची हुई है। और यहां तक कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री का इस्तीफा भी देना पड़ेगा और विपक्ष ये एक तरह से दबाव भी बना रहा है कि इस्तीफा दिया जाए। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 में, तो मुझे लगता है कि इस घटना को हवा और लग रही है। और ऐसा भी माना जाता है, आप सभी लोग इस बात को मानते भी होंगे, कहते हैं कि दिल्ली की जो गद्दी है इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलेगी। सभी राज्यों में अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए और लखीमपुर खीरी को देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत है, आप देख रहे हैं कि एशिया में आपको हमारा प्यारा भारत देखने को मिल जाएगा। और इसमें अगर आप लोग जाएं तो एशिया में देखिए ये है भारत। और पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग राज्य बनाने की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और समझ रहे, आनंदी बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और यहाँ देखेंगे तो विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी और विधान परिषद भी है, यहाँ तो 100 सीटें हैं विधान परिषद में। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों की नज़र उत्तर प्रदेश पर जरूर रहती है। और अभी आप देखिए प्रधानमंत्री साहब के दौरे भी काफ़ी उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं आप लोगों को, बनारस देख लीजिए आप लोग, अयोध्या देख लीजिए, तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा लखीमपुर खीरी, यही ये घटना घटी हुई थी। देखिए एक पत्र भी आपने देखा होगा कि एसआईटी ने दिया हुआ है एक तरह से, तो उसे मैं क्या करूंगा कि फेसबुक पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, उसके मैं क्या लिखा है वो बता देता हूँ। तो लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम के समक्ष एक आवेदन दायर किया हुआ है, और इसके तहत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के अंतर्गत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने का अनुरोध किया है और कुछ धाराओं को हटाने की बात की गई है। देखिए अभी तक जो धाराएं लगाई गई थी कि गैर इरादतन ये घटना घटी हुई है, यानी कि मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह की घटना को अंजाम देना, लेकिन इनकी तरफ से एक तरह से लगी थी ये धाराएं, और धोखे में एक तरह से आप कहिए कि गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो उन्होंने उस गाड़ी ने किसानों को एक तरह से नीचे ले लिया, दबा दिया और खत्म कर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है एसआईटी की गठन का एक तरह से जो आवेदन उन्होंने दायर किया उसमें साफ कहा जा रहा है कि एक जानबूझ के घटना को अंजाम दिया गया, यानी कि कहने का मतलब है कि इस घटना में जो किसान मारे गए उन्हें जानबूझ के मारा गया है। और आपने देखा है कि गवाही बहुत सारी है, वीडियो वायरल हुए बहुत सारे, आप लोगों ने ये भी देखा है, आप लोगों ने जो राज्य मंत्री हैं उनके बयान जो बाजी की गई उन्होंने जिस तरह की आपने देखा है वीडियो में, तो उसके कारण भी इस घटना को लग रहा है कि ये साजिश की गई थी। और एसआईटी जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने पिछले हफ्ते सीजीएम की अदालत में आईपीसी की धारा 279, 338 और 304 एक ही जगह वारंट में नई धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन किया हुआ है। और अपने आवेदन में जांच अधिकारी ने बताया कि घटना सुनियोजित, इस शब्द को याद रखिए, सुनियोजित और एक जानबूझकर किया गया कार्य था, ना कि लापरवाही। देखिए एक आप सभी जानते हैं
कि मान लीजिए कि किसी की गाड़ी रोड पर से जा रही है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आप देखें कि किस कुछ लोगों को कुचल दिया जाए, तो एक क्या होती है कि एक तरह से आप देखिए लापरवाही, या आपका ये सुनियोजित नहीं थी, समझ रहे? हमने पहले इस तरह की घटना के बारे में नहीं सोचा था, या हमने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था। तो इसके तहत आप देखिए धाराएं कुछ लगाई जाती हैं, 279 हो, 338 हो, 304 हो, ए हो। लेकिन इस घटना को, लखीमपुर की घटना में कहा जा रहा है कि हमने जानबूझकर रोड पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे या चल रहे थे उन पर चढ़ाने, जानबूझकर, एक तरह से जानबूझकर, सुनियोजित तरीके से प्लान बना के इस घटना को अंजाम दिया हुआ है। और जांच अधिकारी ने धारा 279 को बदलने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 307, आप सभी जानते हैं, इसके तहत हत्या का प्रयास, ये धारा क्या कहती है कि कोई अगर हत्या का प्रयास करता है तो उस पर 307 लगेगी। 326, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। 34, सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। 279, सार्वजनिक रास्ते पर तेज गति से वाहन चलाना या सवारी करना। 338, जो कोई इतनी जल्दीबाजी या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है। और धारा 304A, लापरवाही से मौत का कारण जो को जोड़ने का अनुरोध किया गया है इसमें। और 302 तो आपका शामिल है ही, क्योंकि आपने देखा है कुछ किसानों की उसमें डेथ भी हुई थी। तो ये रहा है किनकी, 3 अक्टूबर को जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को एक SUV की चपेट में आने से 4 प्रदर्शनकारी किसानों के सहित 8 लोगों की मौत हुई थी, उस घटना के बारे में बात किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हुई थी, पत्रकार भी एक मारा गया था। और SIT ने अब तक आशीष मिश्रा, लवकुश और आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ शिशुपाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल और धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा, उल्लास त्रिवेदी को गिरफ्तार किया हुआ है इसमें। और वे लखीमपुर खीरी जिला जेल में अभी बंद भी हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो राजमंत्री हैं ये अपने बेटे से मिल भी रहे थे, उसका भी वीडियो सामने आया हुआ था। और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया हुआ है। और मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही ने चल रही जांच से कोर्ट को अवगत भी कराया हुआ है। अब इस पत्र को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए अब इसमें क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सी धाराएं देखने को मिलेंगी। और अतः अनुरोध है कि मुकदमा उपयुक्त में अभियुक्तगण उपयुक्त उपरोक्त के वारंट पर धारा 147, 148, 149, 307, 326, 302 और 34, 120B और ये सभी आप भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं इन्हें सस्त अधिनियम में परिवर्तित करने की कृपा करें। यानी कि जो पूर्व लगाई गई थी उन्हें हटाइए और या उनमें फेरबदल कीजिए और इन सभी धाराओं को अब लगाया जाए। और इससे साफ होता है कि राज्य मंत्री साहब हों या फिर आप देखिए उनके बेटे हों, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अगर इतना सबूत मुझे लगता है कि आम व्यक्ति के खिलाफ होते तो मुझे लगता है कि अभी तक उस पर क्या कार्रवाई होती है आप सभी लोग वाकिफ हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है देखिए कि ये जो कानून रहते हैं ये आम आदमियों के लिए ही, गरीबों के लिए ही एक तरह से बनाए गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आप लोग उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कई घटनाएं हुई, उसमें आपने देखा है कि पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया, अभी भी जेल में डले हुए हैं कई, उनके घर को तोड़ फोड़ कर दिया गया। और देखिए अगर राज्य मंत्री ना होते तो शायद मुझे लगता है कि उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार हुआ होता, एक वो हाई प्रोफाइल है तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आसानी से बच जाते हैं, निकलते हैं। और अभी आप देखिए कि राज्य मंत्री पर बने हुए हैं, होम मिनिस्टर एक तरह से होम, समझ रहे हैं, गृह मंत्रालय जो राज्य में देखते हैं ना राज्य मंत्री हैं उसके, तो आप समझ सकते हैं क्या है। और आप ये मुझे लगता है कि सवाल हमेशा उठता रहेगा कि देखिए जब आप किसी पद पर हैं और आपकी आप देखिए कि आप उस पद को नहीं छोड़ते हैं और जांच होती है तो उस जांच पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे, हमेशा उंगली उठते रहेंगे, क्योंकि आप देखिए निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं लगती है जब आप गृह राज्य मंत्री हों, क्योंकि इस तरह के जो कानूनी मामले होते हैं वो होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री के अंडर में ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप लोग सोचते रहिए जो भी सोचना हो, जो भी अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन हमारे संविधान में तो यही कहा गया है कि सभी के लिए कानून समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। अब बाहर से कोई अगर भेदभाव रहता है तो आप सभी लोग
देखते रहिए। तो ये कहानी है आपकी, जो भी अभी एसआईटी का निर्णय आया हुआ है और जो भी आपकी लखीमपुर खीरी की घटना थी।